संदेश खाली के मुद्दे पर हम बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी साहब से। त्रिवेदी साहब, एक संदेश खाली में क्या चल रहा है, महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है? संदेश खाली में जो हो रहा है वो नंदीग्राम में जो हुआ था, जिसके लिए हमने TMC बनाई थी ममता के साथ, वही इतिहास दोहराया जा रहा है। जिस प्रकार नरसंहार नंदीग्राम में हुआ था, उसी प्रकार नरसंहार महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है संदेश खाली में। और मैं समझता हूँ ये वक्त है जहाँ केंद्र चुप नहीं बैठ सकता है, केंद्र को कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। गवर्नर साहब के रिपोर्ट के बाद यदि लगता है, और मुझे खुद लगता है, आप बंगाल के लोगों को पूछिए, सभी कहेंगे कि अभी वहाँ प्रेसिडेंस रूल लागू करना चाहिए। ममता बनर्जी का आरोप है कि RSS का बंकर बन गया है। ममता बनर्जी, माफी चाहूंगा उनसे भी, जमीन पर क्या हो रहा है हकीकत उनको पता नहीं है। मेरे ख्याल से वो खुद भी संदेश खाली नहीं जा सकेगी, क्योंकि लोगों में इतना रोष है ना कि वो TMC के किसी आदमी को वहाँ जाने नहीं देंगे, और BJP और जितने भी ऑपोजिशन है उसको रोका जा रहा है। महिला मुख्यमंत्री होने के साथ महिला पर आरोप, वो जो सम, जो उनका था महिलाओं के ऊपर वो चला गया है, संवेदना है ही नहीं, वरना आज वो शेख जो इतना बड़ा गुण है उसके साथ खड़ी नहीं रहती। मुझे खुद दुख हो रहा है कि वो ममता बनर्जी नहीं रही जिसके साथ हम चले थे। धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है, दिनेश त्रिवेदी पूर्व रेल मंत्री हैं, ममता बनर्जी के कभी खास हम खास हुआ करते थे, आज ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं, और आरोप लगाना भी जायज है क्योंकि संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं ने आरोप लगाया है शाहजहां शेख के ऊपर, तो अब केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा कहना है दिनेश त्रिवेदी का।